फैक्ट्स अबाउट सेक्स, वास्तविकता क्या है सेक्स के बारे में, इसके बारे में आज बातचीत करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति महाराष्ट्र में 37 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं। जब मैं मास्टरबेशन के बारे में बातचीत करता हूं तो कुछ लोग जो है, स्पेशली जो लोग आयुर्वेदा के ऊपर या ओल्ड साइंस के ऊपर भरोसा करते हैं, वो लोगों के काफ़ी सारे रिएक्शंस आते रहते हैं कि ऐसा कैसा आप बोलते हो, सब जगह तो ऐसा लिखा है कि मास्टरबेशन गलत है, मास्टरबेशन नहीं करना चाहिए, मास्टरबेशन में वीर्यपात होता है, वीर्यनाश होता है। तो मैंने बार बार वही बोला है कि मास्टरबेशन यह नॉर्मल है, मगर कोई भी एक्सेस करते हो आप तो वह गलत है। और एक्सेस मास्टरबेशन मतलब आप दिन रात वही कर रहे हैं, उसमें अटके हुए हैं, बाकी काम धंधा नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल लिंग के ऊपर छाले आने तक मतलब काम गया हुआ है, तो डेफिनेटली वो गलत है। कोई भी चीज़ जब बैलेंस करते हैं तो वो नॉर्मल है, मगर लोगों के रिएक्शंस जो आते हैं, मैं देखता भी नहीं हूँ वो रिएक्शंस की तरफ, क्योंकि वो रिएक्शंस सुन के देख के फ़ायदा भी नहीं है। तो एक वो लोगों की रिएक्शंस जो है, लोग गंदे गंदे शब्द इस्तेमाल करते हैं, उन्हें इतना ही देखना चाहिए कि भाई आप साइंटिफिक बात करें कि नहीं कर रहे, मैं साइंटिफिक बात कर रहा हूँ, नंबर एक। नंबर दो, जो बात ऐसी है कि जो लोग नोफैब की बात करते हैं, और नोफैब मतलब कि भाई सेक्स डिप्राइवेशन, सेक्स के बारे में बातचीत नहीं करना, सेक्स नहीं करना। आपको मालूम है कि सेक्स यह एकदम नॉर्मल चीज़ है, नॉर्मल थिंग है, नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ है। जैसे आपकी भूख है वो लगती है और वो भूख पूरी करना ही चाहिए, सांस लेते वो नॉर्मल है और वो करना ही चाहिए, तो मर जाएंगे, वैसे सेक्स का है। सेक्स डिप्राइवेशन करना गलत है, सेक्स डिप्राइवेशन करेंगे आप तो साइंस ऐसा बोलती है कि सेक्स डिप्राइवेशन से आपको बहुत ज़्यादा नर्वसनेस आ सकता है, टेंशन, एंग्जाइटी, नींद की प्रॉब्लम, ये सब आ सकता है यदि आप सेक्स डिप्राइव करते हो तो। और बाद में सेक्स डिप्राइवेशन जब आप करते हो, मतलब सेक्स नहीं करना, हस्तमैथुन नहीं करना, सेक्स के विचार जो है दबा देने का है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये नॉर्मल नेचुरल जो प्रक्रिया है सेक्स की, उसको दबाना पड़ेगा, बहुत जोर से ताकत लगानी पड़ेगी, मतलब आपकी विल पावर बहुत यूटिलाइज करनी पड़ेगी, और वो विल पावर स्ट्रांग करके वो सेक्स डिप्राइवेशन करना पड़ेगा, सेक्स को दबाना पड़ेगा। ये आप करते हो और उसकी आदत बन जाती है तो शादी के बाद में प्रॉब्लम आएगा, आप यदि रिलेशनशिप में जाएंगे तो प्रॉब्लम आएगा, बाद में बहुत बड़ा प्रॉब्लम सेक्स लाइफ में आ सकता है। हाँ, आप यदि रिलीजियस दृष्टिकोण है आपका, रिलीजियस में ऐसा आप मानते कि नहीं नहीं रिलीजियस दृष्टिकोण है, धार्मिक है, और उसके वजह से आप सेक्स नहीं करते हैं, उसके ऊपर आप विश्वास करते हैं और वहाँ से आपको सेक्स नहीं करना, तो बात अलग है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो रिलीजियस यदि आप डिप्राइवेशन कर रहे हैं तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, और उससे भी नुकसान होने वाले है यदि आप नॉर्मल जो भूख है उसको आप दबाते हैं। तो सेक्स डिप्राइव मत करो, इसका मतलब ऐसा नहीं कि बेधुंद और एकदम ओपनली सेक्स करना है या ओपन रिलेशनशिप में आना, इसका ये भी मतलब नहीं होता। कोई भी चीज़ जो है वो एक्सेस में ख़राब होती है। मैं कुछ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सेक्स करो, मैं बोल रहा हूँ इतना है कि सेक्स जो एनर्जी है, सेक्सुअल एनर्जी, उसको दबाओ मत, और शादी के पहले उसको रास्ता देने का, चैनलाइज करने का एक ही माध्यम है, वो है मास्टरबेशन हैंड प्रैक्टिस। तो आप करेंगे तो आपको डिप्राइव करने की कोई ज़रूरत है नहीं, बाकी ये नॉर्मल है, क्योंकि सेक्स कोई एबनॉर्मल नहीं है, सेक्स कोई गलत नहीं है। यदि सेक्स गलत है तो आपके माँ बाप ने गलती की हुई है और सेक्स किया और आप पैदा हुए, तो ये गलत कैसा हो सकता है। यदि सेक्स खराब है तो आपने माँ बाप ने क्या खराब काम किया है, और आपने आपके माँ बाप ने खराब काम किया और आप पैदा हो गए, क्या आप खराब हो, तो ये खराब हो ही नहीं सकता। मगर हमारे पुराने शास्त्रों में, आयुर्वेदा में, उसके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है और वो प्रॉब्लम करता है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सभी वो लोगों को शेयर करो जो लोग इसके बारे में, एक तो गालियाँ मारते रहते हैं मास्टरबेशन जो लोग करते हैं उनके बारे में, या उनका अज्ञान है, तो ये शेयर करेंगे उनका एजुकेशन हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केळकर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।